माँ कालरात्रि से संबंधित जो बीज मंत्र है उसके एक हिस्से का हम लोग आज ध्यान के लिए उपयोग करते हैं। सुना तो सबने बहुत होगा, लेकिन उसको थोड़ा सा पहले मैं समझा देता हूँ तो ध्यान में जाने में आसानी होगी। देखिए, भारत ने अपने ढंग से मंत्र साधना पर काम किया और जो ध्वनियाँ हैं, जो नाद हैं, उनके विशेष उपयोग को अनुभव किया, उस पर प्रयोग किया और उनको हम लोगों के साथ शेयर किया। तो कालरात्रि का ये सातवां दिन, अभी इसके बहुत सारे इम्प्लिकेशन आएंगे। आज की जो महामारी की परिस्थिति है उसके लिए भी मैं उसकी बात करूंगा, जो पिछली बार भी मैंने करी थी कि कालरात्रि ने रक्त बीज का अंत किया माँ कालरात्रि ने। तो इसमें जो एक बीज मंत्र आता है बड़ा प्रसिद्ध सा, ओम ऐम ह्रीम क्लीम, सुनते हैं। अब इन बीज मंत्रों का अपने में कोई अर्थ नहीं है, लेकिन इनके जो अभिप्राय हैं अनुभव के साथ, उनको महसूस करने के बाद इसका निर्माण किया गया। तो उसको एक बार बहुत जल्दी में समझें, फिर बाद में हम लोग विस्तार में सेशन में उसको देख भी सकते हैं अगर आप चाहेंगे, किसी की जिज्ञासा होगी। देखिए, ओम इसको हम कहते हैं कि साउंड ऑफ यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस, वैश्विक जागतिक चेतना की एक अनुगूंज। और ओम की इस ध्वनि और इस नाद से हमने देखा कि सब कुछ निर्मित होता है, रचा जाता है। तो उसके लिए भारत में हमने एक नाद निर्मित किया, ओम। फिर आता है ऐम। ऐम है हमारे होने का एक अनुभव, एक नाद। एक अगर उसको हम नाद में कन्वर्ट करें तो ऐम, सेंस ऑफ आई एमनेस। और देखिए, इंग्लिश में जब हम आई एम लेकर आते हैं तो ये कहीं से ऐसा लगता है कि भारत के इस नाद से ही उसको उठाया, आई एम। आई एम था होने का एक भाव, सेंस ऑफ आई एमनेस। ये जब होने का भाव आता है तभी जीवन में सारी जो सृजनात्मकता वो सक्रिय होती। एक ये चीज ह्रीम है हमारा स्पिरिचुअल हार्ट, आध्यात्मिक हृदय, प्रेम, सेंटर ऑफ लव। तो माँ कालरात्रि से इसीलिए ह्रीम को जोड़ा, एक तो वैश्विक चेतना से अपने होने में उतरना, यानी कि मैनिफेस्टेशन आया, और फिर ह्रीम स्पिरिचुअल हार्ट, जो जॉय का, आनंद का, सत्य का, शांति का केंद्र है, वो है ह्रीम। और फिर क्लीम है एक्टिव अवेयरनेस, वो हमारी सजगता जो सक्रिय होकर सृजनात्मक हो जाती है, हृदय का, प्रेम का, शांति का दूसरा पक्ष जो डायनामिक है, जिसको हम कहें डायनामिक अवेयरनेस ऑफ हार्ट, दैट इज क्लीम। डायनामिक, क्रिएटिव, रिजुविनेटिंग, नर्चरिंग, नरिशिंग, ऑल इंक्लूसिव फोर्स, यानी कि पोषण देने वाली, पुनरुज्जीवित करने वाली, हमको सहेजने संवारने वाली, हमको एक दिशा देने वाली, जो प्रेम की, शांति की शक्ति है, वो हुई क्लीम। तो कुल मिलाकर हम जब इसको मंत्र का फिर निर्माण भारत में करते हैं, ओम ऐम ह्रीम क्लीम, तो इसमें हम उस वैश्विक जागतिक चेतना का प्रादुर्भाव होते हुए और उसकी शांति और उसके प्रेम और उसके आनंद में प्रवेश करते हुए उसकी जो सक्रिय सृजनात्मक अभिव्यक्ति है उसमें हम उतरते हैं। तो ये पूरे मंत्र का अभिप्राय है जिसको हमें एक्सप्लेन करना पड़ता है, उसका सीधा सीधा अर्थ नहीं होता।